हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग टू लर्न एंड फन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पर्टिकुलर चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये पर्टिकुलर चार्ट जो है, इट्स मेड फॉर ओवरले सिनॉप्सिस। ओके, जो हमने लास्ट चार वीडियो किए, सी दिस वन ओवरले फ्रॉम टॉप स्लाइड फ्रॉम टॉप then slide from right, then slide from down and slide from left, जिसका आउटपुट हमें इस तरह से मिला है। See this one, slide from top, then slide from down, then slide from left and slide from right। तो ये चार वीडियो जो मैंने बनाया था, उसके ऊपर से सिनोप्सिस के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर फंक्शनैलिटी के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। ओके, जब हम टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट की बात करते हैं, चारों साइड की बात करते हैं, सो यहाँ पर इट वर्क्स लाइक एन क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखें तो पहले आता है टॉप, बराबर, देन आता है राइट, देन आता है बॉटम एंड देन आता है लेफ्ट। सो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी है कि टॉप एंड बॉटम दे बोथ आर दी साइड ऑफ एन ऑफ एन हाइट। ओके, हम हाइट अगर कैलकुलेट करें किसी भी चीज का, तो हम टॉप एंड बॉटम का लेंगे मेजरमेंट। सो यहाँ पर हमें विड्थ के ऊपर फोकस देना है। सी विड्थ जो है ना, हमने यहाँ पे 100% लिया हुआ है और हाइट जो है वो जीरो रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे हमें ऑपोजिट साइड को चूज करना है, ऑपोजिट साइड के ऊपर हमें काम करना है। यहाँ पे मेन साइड जो है ना, दैट इज टॉप एंड राइट। ओके, दिस वन टॉप एंड राइट, दिस आर बोथ आर द मेन साइड। तो जब हम टॉप की बात करते हैं तो हमें बॉटम 100 लेना है एंड राइट की बात करते हैं तो लेफ्ट को 100 लेना है, 100%। ओके, सी अगर आप प्रॉपरली इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर एवरीथिंग इज सेम। ओके, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इन द फॉर्म ऑफ हाइट विड्थ एंड परसेंटेज में जो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना है, उसके अंदर सिर्फ हमें चेंज करना है, बाकी सभी फिगर्स जो है ना यहाँ पर इट इज सेम। सी पोजीशन इज एब्सोल्यूट, यहाँ पे बॉटम में टॉप में हमने बॉटम में 100 लिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 0 0, देन लेफ्ट में 0 0 0 एंड राइट में 100। ओके, देन यहाँ पर राइट में 0 0 0 0 एंड टॉप जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। देन जब हम टॉप की बात करते हैं तो विड्थ इज 100%, यहाँ पर भी विड्थ इज 100%। सी मैं आपको स्टैंडिंग लाइन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम हाइट की बात करते हैं टॉप टू बॉटम, तो वहाँ पे हमें विड्थ कैलकुलेट लेना है, विड्थ का कैलकुलेशन लेना है, दैट इज 100%। एंड जब हम साइड की बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वहाँ पे हमें हाइट को 100% लेना है। ओके, एंड विड्थ को 0 रखना है। सो इट वर्क्स लाइक एंड वाइस वर्सा। ओके, सी यहाँ पर हम जब हाइट की बात करते हैं तो विड्थ को 100% लिया है एंड हाइट को 0 लिया है, और जब हम विड्थ की बात करते हैं तो हम विड्थ को 0 लेंगे एंड हाइट को 100% लेंगे। ओके, ट्रांजिशन जो है ना, यू कैन यूज एनी टाइम मोड। ओके, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, एंड दिस वन, दिस पार्ट इज एन माउस होवर। सो यहाँ पे माउस होवर में जो है ना, हाइट विल बी गिवन टू टॉप एंड बॉटम, जो हमें लेना है 100%, एंड विड्थ यहाँ पे लेना है 100%, विच विल बी गिवन टू लेफ्ट एंड राइट। ओके, यहाँ पर हमें ओवरले के अंदर, मीन्स इस माउस होवर के अंदर, यहाँ पे हमें दो चीज सिर्फ ऐड करनी है, बॉटम इक्वल टू 0 जब हम टॉप की बात करें एंड राइट में
लेफ्ट इक्वल टू जीरो। ओके, सो आप अगर देखेंगे प्रॉपरली तो दिस टॉप वाला पार्ट एंड दिस राइट वाला पार्ट, इसके अंदर ही हमें ज्यादा चेंजेस करने हैं, बाकी बॉटम एंड लेफ्ट के अंदर इतना चेंजेस नहीं है। ओके, सो इस चार्ट को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये पर्टिकुलर चार्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल रहा हूँ, सो दैट यू कैन डाउनलोड इट और समझिए कि किस तरह से कौन सा इफेक्ट देने से क्या चेंज होता है। ओके, ये पर्टिकुलर लेक्चर्स को देखिए जो मैंने बनाया हुआ है। ये लास्ट चार लेक्चर्स है इसके पहले के, जो यहाँ पर मेरे चैनल में इस तरह से आपको दिख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये पर्टिकुलर लेक्चर्स, ये पर्टिकुलर वीडियोस यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं देखा, सो देख लीजिए, स्लाइड फ्रॉम डाउन, स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट, स्लाइड फ्रॉम राइट एंड स्लाइड फ्रॉम टॉप, एंड ये पर्टिकुलर चार्ट को स्टडी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।